दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर आप धागे वाली मिश्री और राई यानी कि जो ब्राउन मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसका अष्टांग हृदयम यानी कि जो आज से हजारों साल पहले हमारी आयुर्वेद की किताब लिखी गई थी जो वाग्भट ऋषि ने लिखी थी उसके अनुसार अगर आप इन दो चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन हफ्ते में कितनी बार सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन का दोस्तों आपको ऑप्शन दिखेगा उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रोजाना डेली जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि धागे वाली मिश्री और राई का अगर आप एक साथ सेवन करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, वीडियो बीच में बनाते बनाते टाइम बीच में मक्खियां वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है मिश्री मीठी चीज होती है तो उसमें मक्खियां आती हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करें, अगर आपके बॉडी का नेचर कफ प्रकृति का रहता है यानी कि अगर आपको बलगम बहुत ज्यादा आती है ना, वेदर चेंज होने क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अगर आपको सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाती है, छाती में बलगम जम जाती है जो कि काफी आसानी से काफी लोगों की जल्दी बाहर नहीं निकलती है, एक एक सप्ताह यानी कि 1 वीक 2 वीक्स लग जाते हैं उसके बाद में आपकी सर्दी जुकाम ठीक होती है। दोस्तों इसके लिए अगर आप राई का और मिश्री का दोस्तों बराबर मात्रा में यानी कि 5-5 ग्राम की मात्रा में, 5 ग्राम कितना होता है दोस्तों, ये जो आप चम्मच देख रहे हैं दोस्तों इसके अगर आप 2 चम्मच लेंगे तो 5 ग्राम के आसपास हो जाता है, और साथ में 5 ग्राम मिश्री कितनी होगी दोस्तों, ये जो आप धागे वाली मिश्री देख रहे हैं इतनी ग्राम, 5 ग्राम से थोड़ी सी अधिक होती है, लेकिन आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स के आसपास दोस्तों आपको लेनी है। तो दोस्तों इन दो चीज़ों का अगर आप कफ के टाइम में सेवन करते हैं यानी कि अगर आपको सर्दी जुकाम बलगम बनती है उस टाइम में सुबह 1 चम्मच अगर आप इसका लेते हैं, साथ में 2.5 ग्राम आप मिश्री लेते हैं, शाम को 1 चम्मच फिर से इसका लेते हैं, 2.5 ग्राम मिश्री लेते हैं, तो दोस्तों 2 दिन के भीतर भीतर किसी भी प्रकार के भयंकर से भयंकर कफ को सर्दी जुकाम को ये जड़ से खत्म कर देता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको डायबिटीज की यानी कि अगर आपको मधुमेह की समस्या रहती है तो दोस्तों आपको मिश्री का सेवन नहीं करना, दोस्तों मीठी होती है, शुगर में, मधुमेह में, डायबिटीज में आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है। जो स्वस्थ रहते हैं बाकी जिनको कोई भी समस्या नहीं है सिर्फ कफ की प्रॉब्लम रहती है वो इसका सेवन कर सकते हैं, मिश्री अच्छी होती है। चलिए बात करें अगर हम दूसरे बेनिफिट के बारे में, दोस्तों अगर आपको गठिया रोग रहता है यानी कि अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, है ना, खासकर अगर आपको जॉइंट पेन में समस्या रहती है, घुटनों में दर्द होता है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है सुबह उठ के खाली पेट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रात को सोते समय 1 चम्मच राई आपको पानी में भिगोकर रख देनी है, साथ में सुबह उठ के आपको 1 चम्मच जो आपने रात को पानी में राई भिगोई थी उसको पानी भी पी लेना, ऊपर से राई भी चबा चबा के खानी है। अगर आप चाहें तो साथ में मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो साथ में गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डार्क ब्राउन कलर का गुड़ होता है, जैगरी होती है, तांबे के रंग की। दोस्तों आपको पीला वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करना है, वो अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए नकली गुड़ होता है, उसके बीच में मिलावट होती है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर आप हफ्ते में 2 बार 2 ग्राम की मात्रा में मिश्री, 4 ग्राम की मात्रा होगी यानी कि इसकी आधी आधी मात्रा में 2 ग्राम मिश्री हो गई और 2 ग्राम के आसपास राई यानी कि ब्राउन मस्टर्ड सीड का सेवन करते हैं, दोस्तों ये ताकत को बढ़ाने में यानी कि शरीर को फौलाद बनाने में, रात को सोते समय आपको दूध के बीच में मिला के सेवन करना है इसका, दोस्तों ये स्फूर्ति बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, चुस्ती फूर्ति को बॉडी में बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, दोस्तों गदब की ताकतवर्धक औषधि होती है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको दांतों में दर्द रहता है यानी कि जिनके दांतों में कीड़ा लग जाता है उनके लिए मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त अष्टांग हृदयम का घरेलू उपाय बताने वाला हूँ। आपको ब्राउन मस्टर्ड सीड यानी कि राई के बीज ले लेने, उसको अच्छे से हवाम दस्ते में, लंगरी जो होते हैं जिसमें हम मसाले पीसते हैं उसमें पीस के दोस्तों आपको हल्का हल्का ये ऑयली हो जाएगा, मतलब कि इसके बीज से तेल निकलता है। दोस्तों आपको कितनी मात्रा में पीसना है यानी कि 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, जितना मैंने लिया ना इसकी दो बार अधिक यानी कि 1 मुट्ठी ये हो गया, इसके बाद दोबारा से 1 मुट्ठी, उसके बाद दोबारा से, यानी कि 3 बार आपको इस तरह से लेना है और साथ में अच्छे से दोस्तों इसको पीस लेना है, बीच में हल्का सा सेंधा नमक मिलाना है, सेंधा नमक दोस्तों आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, मिला के दोस्तों अगर आप दांतों में जहाँ पे आपकी कीड़ा लगे, जहाँ पे आपको दांतों में दर्द होता है वहाँ पे लगाने से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और 3 से 4 हफ्ते के भीतर भीतर आपका दांतों का कीड़ा बाहर निकल जाएगा, दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपको सर में दर्द होता है तो आप राई को पीस के यानी कि एकदम पतला पतला पीस के माथे पे लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आराम देता है ये। आई होप दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।